इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी नेक्सर डी थ्री सिक्सटी के सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल विटामिन डी की कमी और ऑस्टियोपरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है यह शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है कैल्शियम मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका आहार पर्याप्त प्रदान नहीं करता है नेक्सा डी तीन साठ के सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल को आपके डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए इसे भोजन के साथ या बाद में लेना सबसे अच्छा है क्योंकि यह आपके शरीर को इसे अवशोषित करने में मदद करता है और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से लेना चाहिए यदि आप इसका उपयोग ऑस्टियोपरॉसिस के इलाज के लिए कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी यह दवा उपचार के एक संपूर्ण कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्तन करना और कैल्शियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी मिले उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानें जिन्हें आपको खाना चाहिए नेक्सर डी थ्री सिक्सटी के सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और कोई भी सामान्य नहीं है यदि आप बहुत अधिक लेते हैं तो आपको कमजोरी मांसपेशियों में दर्द या आपके मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है यदि इस तरह के किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव होता है तो अपने डॉक्टर से बात करें वे लक्षणों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी सहायता कर सकते हैं इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपके रक्त में कैल्शियम का उच्च स्तर है या यदि आपको हृदय किडनी या लीवर की कोई बीमारी है कुछ अन्य दवाएं विटामिन डी तीन के अवशोषण को कम कर सकती हैं इसलिए अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ले रहे हैं यह दवा गर्भावस्था के दौरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटामिन डी की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत अधिक आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है अपने डॉक्टर से चर्चा करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें धन्यवाद